भारत और चीन के बीच मई की शुरुआत से एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में गतिरोध जारी है और इसी बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सैनिकों को युद्ध की तैयारी पर अपना दिमाग और ऊर्जा लगाने का आह्वान किया है। ये आह्वान उन्होंने 14 अक्टूबर को दक्षिणी प्रांत ग्वांगडोंग में एक सैन्य बेस के दौरे के दौरान किया है। दरअसल चीनी मीडिया CNN में प्रकाशित एक लेख के अनुसार शी ने चीनी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है और उनसे बिल्कुल वफादार, शुद्ध और विश्वसनीय रहने का आह्वान किया है। उन्होंने सैनिकों से कहा है कि अपना पूरा दिमाग और ऊर्जा युद्ध की तैयारी पर लगाओ। उन्होंने ये टिप्पणी ऐसे समय पर की है जब चीन का भारत और अमेरिका के साथ तनाव चल रहा है। बता दें, इससे पहले शी जिनपिंग ने 13 अक्टूबर को चाओझोऊ में PLA की नेवी मरीन कोर का भी निरीक्षण किया था। हालांकि भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच वार्ताओं का दौर भी जारी है। इसी क्रम में सोमवार को भी दोनों देशों के बीच वरिष्ठ कमांडरों की सातवें दौर की वार्ता चुसुल में हुई। इसके बारे में भारतीय सेना के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में LAC पर डिसएंगेजमेंट पर विचार विमर्श किया, लेकिन कारगिल युद्ध के समय सेना प्रमुख रहे जनरल BP मलिक ने कहा कि चीन की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है। ऐसे में भारत सरकार और सेना को समझना होगा कि यकीन के आधार के बिना LAC से हटने की बात बेईमानी है, लिहाजा चीन के किसी भी दुस्साहस के लिए सतर्क रहना होगा, क्योंकि एशिया में भारत ही ऐसा देश है जो चीन का मुकाबला कर सकता है। दरअसल चीन भ्रम और फरेब फैलाकर असली मकसद को कायम करने की रणनीति पर चलता है। उन्होंने कहा कि चीन सैन्य स्तर पर निपटने वाले मुद्दों में राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक पैंतरेबाजी दिखाकर हालात और खराब होने का संकेत दे रहा है।